सो वेलकम बैक गाइज इन विजय आईटी मिराज पासवान। सो गाइज आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही सरप्राइज ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही सरप्राइज। ओके तो राइट ना तो अभी हम लोग घर पे ही है एंड पूरा काम वगैरह मैंने कर लिया अपना। एंड जब से मम्मी गाँव गई है, बोलते ना माँ के बिना घर घर नहीं होता, तो वैसे मेरा हाल है, बहुत काम करना पड़ रहा है। सो या अभी तो वो जो सरप्राइज होते हैं मुलुंड में, तो हम लोग जाएंगे अभी मुलुंड। और मुलुंड में मतलब दो तीन चीज़ें भी, मैं दो तीन जगह है वो जगह को भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो भैया चलो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भैया क्या नहीं चल रहा था, क्या खाते सोरा मटन। बाय बाय, वेलकम बैक टू बाद में करेंगे। टाइम हो गया गाइस, इसको फिर ड्राइव नहीं किया मैंने, तो रिपेयरिंग करना पड़ेगा इसको एंड सीट भी चेंज करेंगे। हम लोग आज जा रहे हैं बस एंड ट्रेन से, बाइक से नहीं। उसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बताता हूँ क्यों मैं आज हमारी बाइक नहीं लेके जा रहा हूँ। अभी गाइस बाइक की कंडीशन आप देख सकते हो, सिर्फ सीट थोड़ी ख़राब है, बाकी सब ओके। अभी मैं शायद जस्ट टेम्पो के शरीर गए थे हम लोग। भाई तो गाइस धूप बहुत ज़्यादा है आज यार, कोई नहीं बस से जा रहे तो बच जाएंगे। स्वीटी One hour later. तो मैं अभी कुर्ला स्टेशन के पहुंच चुका हूँ और टिकट भी अभी ले लिया हूँ। आवाज़ आ रही थी क्या मालूम नहीं, तो चलो अभी फटाफट चलते हैं मुलुंड। 1:37 तो गाइस अभी मैं मुलुंड स्टेशन के बाहर पहुंच चुका हूँ। अभी डायरेक्ट जाता हूँ अपने पापा के यहाँ पे, एना के वीडियो पटेल करते हैं। गाइज आप लोग मुलुंड आते हो तो हरिओम में जरूर स्नैक्स ट्राई करना, बहुत ही ऑसम टेस्ट रहता है यहाँ का। तो गाइज ये फर्स्ट जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, आपको देख के आप समझ ही रहेंगे। ये मेरा स्कूल है बचपन का, आप देख सकते हो अभी तो बहुत डेवलप हो गया, पहले तो इतना डेवलप नहीं हुआ था। सो दिस इज माई स्कूल। एंड गाइज ये जो अमय जनरल स्टोर है, यहाँ बचपन में बहुत सारी यादें हमारी है, बहुत ज़्यादा। गाइज ऐसे ही मतलब मुझे में मेरी बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी। अभी जैसे स्कूल ख़त्म होता था तो ख़त्म होने के बाद हम लोग हरिओम में आते थे, वहाँ पे मस्त वड़ा पाव समोसा पाव खाते थे, बहुत अलग मेमोरीज है यार बहुत। और भी प्लेस है मैं आपको बताता हूँ, तो फिलहाल तो अभी जाते पहले हमारे कहने के यहाँ पे देखते पप्पा वहाँ पे है क्या नहीं, देन जो मेन सरप्राइज़ है उसको मैं आपको बताता हूँ। ओके सो चलो चलते हैं। सो गाइज जो सरप्राइज़ है अभी वहाँ पे, एंड ये हॉस्टल है एंड हम लोग का कारखाना ये गली दिख रहा है आपको, बाहर से अलग दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत औसम है। एंड अभी मेरे डैडी आ चुके हैं तो चाबी भी मैं ले लिया है। एंड अभी एक्टिवा यहाँ पे, तो अभी एक्टिवा निकल के मैं आपको एक अच्छा सा प्लेस एक्सप्लोर करता हूँ। ओके सो गाइस जो सेकेंड प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए ये महालक्ष्मी डेयरी फार्म, जो कि मेरे लिए लस्सी के लिए बहुत फेमस है। गाइस ये यहाँ का स्पेशल लस्सी है। यहाँ पे गाइस ये लस्सी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, एकदम ऑल टाइम। एंड आप लोग जरूर ट्राई करना अगर मुलुंड में आते हो तो, महालक्ष्मी डेयरी फार्म के यहाँ पे। सो यार चलते हैं अभी बिग सरप्राइज की तरफ। 2000 years later. So guys, जो मतलब जो मेन सरप्राइज था वो ये है कि फाइनली हमारे पास भी एक कार आ चुकी है। तो चलो अभी थोड़ा मतलब एक थोड़ा साइलेंट प्लेस पे मतलब गाड़ी को लेकर जाता हूँ एंड फिर वहाँ आपको पता जो सिनेमेटिक शॉट भी दिखाता हूँ एंड थोड़ी बातें भी करते हैं, ठीक है? तो चलो चलते हैं। यस गाइस ये था अभी तक का मतलब सबसे बड़ा सरप्राइज, और मतलब ये ब्लॉग ये ब्लॉग डालने के लिए तो मैं बहुत बार सोचा बाद में बोला कि ये ब्लॉग डाल देता हूँ। अभी बहुत ऐसा खुशी फील हो रही है यार, बहुत मतलब दो तीन बातों मतलब मैं ऐसा ब्लॉग शूट भी कर रहा था बट कैसा वो मतलब तो फेस भी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था ना मेरे की वो ब्लॉग बराबर आ रहा नहीं था। तो या
अभी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कौन सा मॉडल है एंड गाड़ी का नाम क्या है, सब कुछ एंड ऑल ए टू जेड बताने वाला हूँ। सेकेंड हैंड ही गाड़ी है, न्यू नहीं है, बट न्यू से कम है नहीं है। ओके, तो चलो सिनेमैटिक शॉट में बताता हूँ। पहला आउटसाइड का पूरा सिनेमैटिक बताता हूँ, बाद में इनसाइड का बताता हूँ क्या क्या है और क्या क्या काम करना बाकी है एंड ऑल। ओके, सो या सो ओके गाइस, अपन पहला इनसाइड की बात कर लेते हैं। तो इनसाइड की बात तो क्या कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ऑल इज़ गुड यार, कुछ भी मतलब कुछ भी ख़राब लग रहा ही नहीं है। एंड अभी तक तो ये सीट ऐसे हमेशा खाली रहती है एंड ये ड्राइविंग सीट तो मतलब मेरी हमेशा गेब हो गई है, इसमें नो कुछ भी नहीं। एंड आप देख सकते हो अंदर कंडीशन गाड़ी की ऑल इज़ गुड, 5 लोग के लिए कम्फर्टेबल है। एंड यहाँ पे मतलब मैं एक मुद्दी लगाने का सोच रहा हूँ, अब गेस करो गाइस मैं कौन सी मूर्ति लगाऊँ। मेरे अंदर तो श्री राम प्रभु का चल रहा है कि मतलब मैं राम जी का मूर्ति लगाऊँ या तो महादेव का मूर्ति लगाऊँगा, आप भी कमेंट करके बताओ। एंड इसका थोड़ा केबल लेके आने का है, बाकी ऑल इज़ गुड है भी। एंड कूलिंग तो एकदम डेफिनेट एकदम तगड़ी आती कूलिंग। एंड और क्या बाकी कल व्लॉग, आज थोड़ा व्लॉग कल वही फिर CNG बनने गया था तो ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बाद में रात को कैसा मतलब गाड़ी का बहुत अच्छे तरीके से मतलब अच्छे तरीके से क्वालिटी नहीं आ पाती, तो डैश मैंने बोला कि मतलब मैं वैसे भी डेली आ ही रहा हूँ बुलुंड, तो बाद में मैं बोला कि फिर आप भी बना देता हूँ। ओके, मतलब अच्छे से दिखना चाहिए वीडियो में। ओके राइट, इसलिए ओके बस इतना ही। ओके गाइस, अब आउटसाइड से भी देख सकते हो एकदम फुल नई लग रही है, एकदम चमक रही है यार एकदम। ये वैगनर है देख सकते हो वैगनर। ओके, एंड इसमें CNG प्लस पेट्रोल है एंड इसके व्हील भी अभी तक फिलहाल पूरे नहीं है, चारों के चारों व्हील हैं। एंड नाइट में तो क्या बोलूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, बहुत अच्छी कंडीशन में। एक स्टैंड यहाँ पे हम लगा सकते हैं, यहाँ पे स्टैंड लगा सकते हैं। एंड एक मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोने पे लगाते हैं, यहाँ पे कोने पे ऐसा लगेगा तो कैसा पूरा मतलब हाँ पूरा यहाँ से पूरा व्यू मिलेगा। एंड मेरे फ्रेंड्स लोग भी जब आएंगे तो कैसे हम 5-6 लोग मतलब 5-6 जन जो भी हम लोग देंगे पूरा अच्छे तरीके से पूरा कैमरे में हम पूरा कवर कर लेंगे हम लोग। तो ये सब अभी मेरी थोड़ी थोड़ी प्लानिंग है, मतलब धीरे धीरे ये सब होता है ना, तो ऐसे अभी धीरे धीरे मतलब सब होगा, तो अभी वही करते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। एंड भी मतलब बहुत जगह पे जाने वाले हैं, बहुत जगह पे लॉन्ग ड्राइव बहुत जगह पे करने वाले हैं, बहुत जगह पे बाइक से तो अभी बहुत ज़्यादा घूम लिए, घूमेंगे बाइक से और भी घूमेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा इससे भी घूमते हैं, इसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। ओके, ये मतलब मैं दूसरे दिन मतलब यहाँ के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को मतलब कुछ ज़्यादा लेट हो गया था। एंड मतलब गाड़ी का अभी मैंने आपको बताया कि CNG भी भरना था एंड थोड़ा गाड़ी में काम भी था, तो रात ज़्यादा हो गया था कल के बाद में मैंने बोला कि अभी कल रात को मतलब इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ पाता, तो मैं बोला कि अभी आफ्टरनून में आके थोड़ा शूट कर लेता हूँ अच्छा रहेगा। तो बस यही था बहुत बिग सरप्राइज। एंड अभी मतलब थोड़े मोड़े काम बचे हैं गाड़ी में तो कर लेंगे, मतलब इनसाइड काम बचे ले, आउटसाइड काम कुछ नहीं है। एंड बाकी ऐसा बाकी कुछ वैसा काम नहीं है, सिर्फ यही थोड़ा मतलब यहाँ पे एंड देखते पीछे भी कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ओके, एंड 2-3 व्लॉग भी मतलब व्लॉग का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो मतलब वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है धीरे धीरे आएगा। ओके, धीरे धीरे आएगा व्लॉग। ओके, सो या व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं क्या? ओके इंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना, बहुत सारे व्लॉग मतलब एडिटिंग में पड़े और कुछ व्लॉग एडिटिंग करके हो भी चुके हैं, सिर्फ अपलोड करना बाकी है। एंड अभी मतलब इस कार से ही अभी हम लोग जाने वाले हैं UP देन नेपाल, उसका भी व्लॉग आएगा, डोंट वरी, नेपाल का तो 100% आएगा। एंड देखते हैं, मे बी अगर 17 तारीख को मैं अयोध्या के यहाँ पे अगर 17 तारीख को पहुँचूंगा तो डेफिनेटली 1 सेकेंड मैं ऑफिस राम मंदिर जाऊँगा, आस्था है राम हमारी, तो जरूर जाऊँगा, मेरा मन तो बहुत करता है, बहुत बहुत बहुत। सो या चलो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोल ही देना, उसमें कुछ आएगा नहीं। ओके या चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, अपने ध्यान रखो, अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।